बहुत सीरियसली परस्यू नहीं कर पाया था, मुझे मौका नहीं मिला करने का. और बस फिर हायर एजुकेशन के लिए आई वेंट टू यूएस, तो मैंने वहाँ पे अपना बैचलर्स कंप्लीट किया. आई डिड माय एमबीए इन फाइनेंस एंड देन बोथ माय मेजर्स इन एमबीए इन फाइनेंस एंड देन आईटी. सो अब मैं एक आईटी प्रोफेशनल की तरह वहाँ पे काम करता हूँ. पर मुझे लगता था कि म्यूज़िक दिस इज़ समथिंग की हु इज़ गोना टेक दिस लेगेसी फॉरवर्ड, मेरे पेरेंट्स की जो लेगेसी है, तो इट हैज़ टू बी मी. और मुझे वो फील होता है कि हाँ, मैं कॉर्पोरेट से जुड़ा हूँ, मैं आईटी का काम कर रहा हूँ, बट मेरी ट्रू कॉलिंग क्या है एंड दिस इज़ माई ट्रू कॉलिंग, तो उसकी मैं अब सुन रहा हूँ और पिछले कुछ सालों से सुनना शुरू किया. तो मेरे पेरेंट्स से मैंने जो भी ट्रेनिंग ली मेरे पेरेंट्स से ली है, तो वो मेरे गुरुज हैं, उसी के साथ मैंने बस ये शुरुआत की है. तो यू कैन सी मोर ऑफ इट प्रीटी सून. सो मेरा पहला गाना बस अभी 2 महीने पहले रिलीज हुआ था, सुन सदा, और अभी आप ये देखेंगे, बस जल्दी ही रिलीज हो गए. आप यूएस में रहते हैं, अब इंडिया कैसे आना हुआ? इंडिया तो मेरा आना होता रहता है, हर साल मैं आता हूँ. मेरी फैमिली दिल्ली में ही रहती है, तो वो तो मेरा होता रहता है आना. बट सिंस हम कहते हैं कि अगर आपको म्यूज़िक परस्यू करना है, फॉलो करना है, आपको अपनी ड्रीम्स फॉलो करनी है, तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री मुंबई आके अगर आप कुछ करें, इंडियन ऑडियंस तक पहुँचना बहुत ज़रूरी था मुझे. यहाँ पर जो मेरे इंडियन भाई लोग जो इंडिया में रहते हैं उन तक पहुँचना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था. तो आप यूएस में रहते हैं पर कई बार वो रीच नहीं मिल पाती है, सो दैट वाज द गोल कि यहाँ पे आऊँ, अपने लोगों में अपना म्यूजिक सुनाऊँ, बस मेरा वो गोल था. जगह ऑनलाइन के अलावा हमने सुना है आपने और भी गाने रिकॉर्ड किए हैं जो अभी रिसेंटली अब लॉन्च करने वाले हैं, उनके बारे में कुछ बताएंगे? जी बिल्कुल. तो अभी जगह ऑनलाइन जैसे आपने की टीजर देखा, तो ये एक डिफरेंट जॉनर का गाना था, क्लब सॉन्ग है, पंजाबी सॉन्ग है. आगे जो मेरे गाने आने वाले हैं वो 5 और 6 गाने हैं जो हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, जिसका प्लान है, और उसमें से 4 का वीडियो भी शूट हो चुका है. तो अगला जो आपका इसके बाद गाना आने वाला है वो एक रोमांटिक लव सॉन्ग होगा, बिल्कुल एक वैलेंटाइंस की थीम पे बेस्ड है वो काफ़ी, और आप वो भी आप जल्दी ही देखेंगे. उसके बाद एक जिसका नाम है कह दो तुम. उसके बाद हमारा एक गाना है, पंजाबी सॉन्ग है, वो बहुत फास्ट पेस्ड डांस नंबर है, बिल्कुल भांगड़ा देसी नंबर, एंड उसका गाना है, उसका नाम है कैफे द विच. वो भी वो उसके बाद आएगा. फिर हमारा एक सॉन्ग है तेरा चेहरा, जो अगेन एक लव सॉन्ग है, पर उसका थीम थोड़ा डिफरेंट है. अभी हर गाने का हमारा मन था कि हम लोग एक वैरायटी देंगे सॉन्ग्स की. उसके बाद 2 गाने और हैं, एक है पल पल, वो अगेन इट टेक्स यू बैक टू हिंदी एंड पंजाबी मिक्सचर, थोड़ा सा पेपी सॉन्ग है वो. फिर हमारा जो लास्ट गाना एक और आएगा, उसका नाम है ऐसा लगे है, और वो एक बायलिंगुअल सॉन्ग है, मल्टीलिंगुअल, जिसमें कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स है. उसमें मेरे साथ एक कनेडियन सिंगर हैं, वो गाएंगी, हालांकि वो 12 साल की लड़की है, जो बहुत अच्छा गाती हैं. शी फॉलोज अडेल एंड देन यू कैन लिसन टू हर, यू कैन बी मेस्मराइज्ड विद हर विद दैट सॉन्ग. सो वो हमारा, ये हमारा प्लान है टू गिव द ऑडियंस एवरी काइंड ऑफ फ्लेवर विद द नेक्स्ट 5 or 6 सॉन्ग्स. दिल ने जो लाए निरोग तेरे, कर दाए गल्ला तेरिया नाल हुन मेरे, अखियां सजाए सी सुफने तेरे, तोड़े तो बात झूठे कॉल सी तेरे, पल च हंसा के रुवाया है तू, पिछे पिछे अपने क्यों लाया है तू, केड़ी मेरे दिल तो हुई सी खता, दिल दिया लगिया नू मिली क्यों सजा, सुन सदा हर सपा वारो रो तेरिया में आवि जा, मन्नता मंगिया रब तो तेरिया में, सुन सदा हर जपा वारो रो तेरिया में आवि जा, मन्नता मंगिया रब तो तेरिया में. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. ये तो खैर आपकी एल्बम. सुन सदा एक्चुअली इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट, क्योंकि वो गाना एक मेलोडियस गाना है और वो ट्रेजेडी बेस्ड गाना था. तो हमने मेरे साथ जो फीचर किया, जिस एक्ट्रेस ने, उसका नाम मोनिका आहूजा है और वो वाशिंगटन डीसी में रहती हैं, यूएस में. तो चैलेंजिंग, द ओनली चैलेंज पार्ट वाज टू कम अप विद द स्टोरी, टू कम अप विद व्हाट काइंड ऑफ ट्रेजिक स्टोरी वी गोइंग कम अप विद. क्योंकि कई बार क्या होता है, आप कुछ एक स्टोरी ढूंढ रहे हैं, वो कुछ लोगों को अफेक्ट भी कर सकती है, कुछ लोगों को ऑफेंड भी कर सकती है.
तो वो एक था कि हम लोग एक थीम सोचना था कि हम किस तरह से उसको दिखाएंगे, और बहुत नेचुरल स्टोरी दिखाई गई है जो एक 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 जो एक किसी की, जो एक किसी की ज़िंदगी में हो सकता है, दो एक कपल होता है और वो अगर कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती हैं कपल के साथ तो क्या उनको क्या चैलेंजेस होते हैं उनकी लाइफ में, क्या स्ट्रगल्स होते हैं, तो वो इस सॉन्ग में दिखाया गया है। इट्स अ ब्यूटीफुल मेलोडियस सॉन्ग और उसमें ये दिखाया गया कि लड़की अब लड़के के साथ नहीं है तो वो किस तरह से अपने गम को दर्शा रहा है सॉन्ग के बेसिस पे। तो ये था वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि अगर वैसे लेजेंड्स आते हैं और मिलते हैं वो एक छोटी छोटी अचीवमेंट्स होती हैं लाइफ में आपके, क्योंकि अगर आप जो एक मुकाम बनाना चाह रहे हैं लाइफ में सिंगिंग को लेकर, द काइंड ऑफ थिंग्स आई वांटेड टू डू, सो इन यूएस दीज आर सम ऑफ द प्लेटफॉर्म्स वेयर दीज लेजेंड्स कम एंड दे जज द कॉन्टेस्ट्स एंड आपको मौका मिलता है कि अगर आप वो लोग कॉन्सर्ट्स करने आ रहे हैं वहाँ पर तो अगर आप किसी में ऑडिशन देंगे स्टार विनर बनेंगे, यू गेट टू परफॉर्म विद ऑल दीज लेजेंड्स, यू गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम दीज पीपल। सो वो मुझे मौका मिला था प्रीतम दा के साथ जब वो लोग अभी रिसेंटली यूएस टूर पे आए थे 2018 में अप्रैल में आए थे, तब उन्होंने स्टार विनर कॉन्टेस्ट रखा था और मुझे मौका मिला, मैं वॉशिंगटन डीसी से वो जीता था तो मुझे मौका मिला उनके साथ परफॉर्म करने का, एंड इट वाज वंडरफुल, इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये छोटी छोटी अचीवमेंट्स जब होंगी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है तो आप इसी तरह से अपने मुकाम तक पहुँचते जाएंगे। इट्स बेनिफिशियल इन द सेंस कि आप कोलैबोरेशन जब करते हैं तो बेसिकली देयर इज अ बिग पूल ऑफ टैलेंट अराउंड यू एंड इन इस इंडस्ट्री में कितना कॉम्पिटिशन है, कितना टैलेंट है, when you get to collaborate with people of that stature, तो आपको मौका मिलता है उनके फैंस को भी रीच करने का, तो वो ज़रूर हेल्प करेगा मुझे क्योंकि वो एक होता है एक नया आर्टिस्ट है, नया फेस है, कोलैबोरेशन वाइज आप उनके फैंस तक भी पहुँच सकते हैं प्लस उस मीडियम से आप और लोग बहुत सारे लोगों को पहुँच सकते हैं। तो मेरा ये बस था कि शी इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट, शी इज़ अ बिग नेम इन द इंडस्ट्री, तो मेरा था कि किसी के साथ मैं कोलैबोरेट करूँगा, इट विल बी अ वेरी नाइस थिंग टू डू। She said basically कि आप एक नए आर्टिस्ट हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपना फ्लो ना रोकें और आप कोशिश करें कि नए नए गाने निकालते रहें, जितने आप अपने ओरिजिनल सॉन्ग्स निकालेंगे लोगों तक पहुँचाएंगे, आपका जितना अच्छा म्यूज़िक होगा, जितना सच्चा म्यूज़िक होगा, द मोर यूल रीच पीपल द मोर यूल अचीव। आई एम एक्चुअली दैट विल बी माई बिगेस्ट गोल, दैट विल बी माई नंबर वन गोल। There are so many people, there are so many music composers I would love to work with, like Pritam Da, like Vishal Shekhar, and then there are many others, some new generation, like Jam 8s, which is bahut abhi chal raha hai aajkal, and then Sachin Jigar hain, Ajay Atul hain, there are so many, there's so much talent as I said. What's the plan for future? Are you going to take more singles out or, you know, you are basically concentrating on playback singing? I mean, it's going to be a mix and match of both. So मैं चाहता हूँ अपने ओरिजिनल सॉन्ग्स भी निकालता रहूँ, कुछ नए गाने निकलते रहे मेरे, ज़रूर डेफिनेटली मेरे और लाइंड अप हैं पाइपलाइन में, पाँच छः गाने हैं 2019 के लिए जो मैं निकालने वाला हूँ, एंड देन उसके बेसिस पे अगर मुझे प्लेबैक गाने को मिलता है, मैं बॉलीवुड में या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाता हूँ, तो वो डेफिनेटली एक सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी मेरे लिए, तो मैं डेफिनेटली चाहता हूँ कि उन दोनों को साथ साथ कैरी करता रहूँ। इवेंचुअली I may shift based on how much I and what I achieve. Thank you. Thank you guys.